चलिए अब आपको सीधे लिए चलते राजधानी दिल्ली, जहां पर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे हैं, सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। दिल्ली राज्यपाल कलराज मिश्र से पहले मुलाकात की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई। ये मुलाकात राजभवन में हुई थी और उसके बाद सीएम दिल्ली पहुंचे, दिल्ली के लिए रवाना हुए मुख्यमंत्री। और ये सीधी तस्वीरें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं। सर ऊपर आने तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कल सीडब्ल्यूसी की बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली पहुंचे हैं। उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह। बोर्ड में मीटिंग होती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो होती है, तो आप समझ सकते हैं कि चिंतन मनन होता पूरा पार्टी के बारे में, क्या पॉलिसीज है, क्या प्रोग्राम है, वो सारे डिस्कशन होते हैं। तो अभी तुम आए हैं, कल मीटिंग अटेंड करेंगे, फिर ब्रीफिंग होगी वहाँ, आपको पूरी बाकायदा ब्रीफिंग होगी, वो बताएंगे क्या क्या फैसले हमने किए हैं। आचार संहिता भी लगने वाली, 60 दिन बचे हैं फिर सके चुनाव को। इससे पहले आपने बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीजें आपने घोषणाएं की, बहुत बोर्ड बनाए, सभी तरह की आपने योजनाएं अभी तक भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर कैंपेन कर सकते प्रधानमंत्री जी आकर के राजस्थान के अंदर, तो वो भी एक कैंपेन ही उनका, वो हमारा भी कैंपेन है, हम क्योंकि सरकार में हैं तो लगातार जो प्रक्रिया चलती रहती है, अभी तक फैसले होते जा रहे हैं, कल भी फैसले किए थे हम लोगों ने। तो ये हमने तय किया, इस बार राजस्थान सरकार ने जो फैसले किए हैं, जो वादे किए थे पिछले चुनाव के अंदर, जब राहुल गांधी जी ने कैंपेन किया तो वादे किए थे हम 7 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, वो हमने 3 दिन में कर दिया था। वो दिन आए दिन लगातार जो फैसले में किए हैं, राजस्थान में इतिहास बन गया है। राजस्थान जो 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 फैसले हुए हैं, आज अन्य राज्य सरकारें भी उस पर अध्ययन कर रही है और कई फैसले पर लागू कर रही है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि राजस्थान में जो कानून पास किया हम लोगों ने, चाहे हमने महंगाई राहत शिविर लगाए हों, चाहे शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में उदाहरण पेश किए हों, और 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हमारे लोग सुखी हो गए हैं, बीमारी के अंदर फ्री इलाज हो रहा है हम लोगों का, कानून बन गया है राइट टू हेल्थ। तो लबोलबा बात है कि हम चुनाव में उतर रहे मैदान में, हम तमाम अपनी उपलब्धियाँ जो है, कर्म ही सेवा है, कर्म ही धर्म है, उसको आधार बना के हम लोग कैंपेन करेंगे और काम किया दिल से। कांग्रेस सरकार फिर से, ये अध्यक्ष जी ने आज हम सबको बैठा करके जो फैसले किए हैं, उसमें मुख्य बात यही है। सचिव साहब, बीजेपी ने अपने कैंपेन में जिस प्रकार से उस किसान की तस्वीर का इस्तेमाल किया, छवि धूमिल हुई, ऐसे आरोप, पूरी तरह बदनाम हो गई बीजेपी शुरुआत के अंदर ही। मतलब शुरुआत के अंदर ही मालूम पड़े लोगों को कि ये कितने झूठे लोग हैं। एक किसान की जो एक इनोसेंट किसान है, 200 एकड़ जमीन का मालिक है, वो तो भाऊ हो गया कल जब मुझसे मिलने आया, वो उनके पूरे परिवार के लोग, बेटा भी साथ थे, वो इतना इनोसेंट ही बोल रहा था कि मैं तो बदनाम हो गया, मेरा पोस्टर हटवाओ। बार बार जिद कर रहा था, मैं कहा बाबा ऐसी बात नहीं, लगते लग जाते पोस्टर, क्या फर्क पड़ता है। कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो बदनाम हो गया हूँ कि मेरी जमीन कुड़क हो गई है, मैंने कर्जा नहीं चुकाया है। और मैं चाय पीने गया तो चाय वाला कहा नहीं नहीं पहले बाबा पैसे दो, मेरी इतनी बेइज्जती होगी कि वो विश्वास नहीं कर रहा दुकानदारी मेरे पर। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये इतने किस प्रकार से ये कैंपेन शुरू कर रहे हैं अपना, और राजस्थान भर में बाबा की फोटो लगा दिए, किसी जमीन कुड़की हो गई है, देखिए ये कांग्रेस सरकार के कारनामे बताइए। तो आप सोच सकते हो कि इनकी शुरुआत ऐसी हुई है, इनका अंत ऐसा ही होगा। सर टिकटों को लेकर क्या कब तक पहले सोची जा रही है, क्योंकि लगातार सितंबर में क्या जा रहा है, ये आप अध्यक्ष जी पूछिए, ये टिकटों के लिए हमारे संगठन वाले बात करेंगे। घोषणाओं में ऐसा कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि अभी रह गई है जनता को लेकर? मैं आप देखिए, वो तो आप जितना काम करोगे उतना ही संभावना बढ़ती जाएगी और होना भी चाहिए। और मिशन 2030 हमने जो लॉन्च किया था, शानदार परिणाम आया उसके, 3,32,00,000 लोगों ने भागीदारी निभाई उसके अंदर, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो ये समझ सकते हैं कि लोगों की रुचि है राजस्थान को लेके, कैसे हम लोग अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाएं, कैसे सोच रखें, क्या हमारा सपना हो। मैं समझता हूँ आधार बनेगा हमारा, अध्यक्ष जी ने कहा भी है कि जो मैनिफेस्टो बनेगा उसमें कई पॉइंट हो सकता है, उसमें से ही
मैनिफेस्टो में सम्मिलित किए जाएं। टिकटों की बात है आप देखिए करिए जो प्रोसेस चल रहा है बताइए। सीएम साहब बीजेपी के राष्ट्रीय नेता लगातार राजस्थान में पड़ाव डाल रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, उनके कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता फिलहाल नहीं पहुंचे हैं, क्या उसका नुकसान होगा? खड़गे साहब आ गया, राहुल गांधी जी आ गए, प्रियंका जी आ गई, लगातार आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, लगातार कर रहे दौरे, आगे चलते जाएंगे दौरे भी। अध्यक्ष जी कल सीडब्ल्यूसी की महत्वपूर्ण बैठक है, आप आए हैं, सीएम साहब साथ में हैं। सीडब्ल्यूसी में सीडब्ल्यूसी के मेंबर ही हैं, जो एक्सटेंडेड होती है उसमें पीसीसी चीफ होते हैं, हम लोग उसमें कल नहीं है, मुख्यमंत्री जी हैं, मैं दूसरे काम से आया हूं। दूसरी बात यह है कि स्क्रीनिंग कमेटी अपना जो फीडबैक ले रही है और मुझे लगता है कि एक दो तीन दिन में कभी भी स्क्रीनिंग कमेटी के हमारे गोगोई साहब अपनी टीम के साथ जयपुर आएंगे तो हम जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है उसके द्वारा जो तैयार किया गया है वो जो पैनल है वो हम उनको सौंपेंगे और फिर उनको एक्सरसाइज करनी है दो दिन चार दिन पाँच दिन जो भी उनको करनी है तो वो उनका काम है और जब स्क्रीनिंग कमेटी आगे सीसी होगी तो वो अपना पैनल ले जाएगी और टिट्टे हो जाएंगे लेकिन हम नैले पे दैला देंगे। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का नैला फेल हो गया, हम दैला फेंकना चाह रहे थे लेकिन वो तो खुद ही एक्सपोज हो गए। देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में और जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में पूरी बाकायदा चर्चा हो करके फाइनल नाम हो गए और वो फाइनल नाम आज तक बाहर नहीं निकल पाए, इससे ये लगता है कि राजस्थान में वो अपनी हार मान चुके हैं, उनकी जो फूट है वो उसको एकजुट कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनमें संघ में आज एक राजस्थान पत्रिका ने बड़ा सटीक बात कही है कि संघ जो कब्जा किए हुए था उससे अमित शाह जी और मोदी जी मुक्ति चाहते हैं और वो अपनी चलाना चाहते हैं, तो ये इनमें भीषण जो आपसी संघर्ष होगा, इससे देश की जनता के सामने इनका सही चरित्र सामने आ गया कि ये लोग बाग कहते कुछ है और करते कुछ। अध्यक्ष जी तमाम चुनावी राज्यों को लेकर सीईसी की बैठक हो चुकी है कांग्रेस मुख्यालय में लेकिन राजस्थान को लेकर पीईसी भी अभी तक आप नहीं कर पाए, क्या कारण है? वो तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सूची जारी कर दी तो क्या राजस्थान में कर दी क्या? हम तैयार हैं नैले पे दैला देने के लिए। बातचीत के लिए शुक्रिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। तो चलिए आपने सुना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीडब्ल्यूसी की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और इस दौरान उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद है, दोनों ही मीडिया से मुखातिब हुए और एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया तो वहीं खुलकर बीजेपी पर निशाना भी साधा और वहीं गोविंद सिंह डोटासरा भी इसी अंदाज में नजर आए, उन्होंने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में राजस्थान में क्या कुछ फेरबदल होता है, क्या कुछ सियासी हलचल होती है। तो वहीं आपको बता दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं, कल सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक होने जा रही है, इस बैठक में मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे और इस दौरान जो है आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि किस तरह से मिशन रिपीट को धार दी जाए। तो कल दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है, तमाम उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के दिल्ली पहुंचने का क्रम शुरू हो चुका है जहां पर चुनाव होने हैं और ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस दौरान उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे तो कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निजाम, कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है और ऐसे में इस बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं, इसके साथ ही मोहन प्रकाश जो हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली यहाँ से एयरपोर्ट से सीधे वो जो है जोधपुर हाउस के लिए रवाना हो गए। इसके साथ ही कल जो है सुबह 11 बजे जो कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक है उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जो है कांग्रेस के वरिष्ठ दिग्गजों के साथ उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। महत्वपूर्ण बात अभी तक हमारे पास जो जानकारी है कि जिसकी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है लेकिन जो युवाओं के लिए ट्रांजिट हॉस्टल की जो व्यवस्था की है राजस्थान सरकार ने उसके जो है कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के लक्ष्मी नगर जा सकते हैं। फिलहाल ये कार्यक्रम अभी कल की मीटिंग के बाद ही तय हो पाएगा। साथ ही ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि कल मुख्यमंत्री
भी, चूंकि कल जो है आचार संहिता लग सकती है, उससे पहले क्या कुछ और घोषणाएं जो है वो दिल्ली में रहते हुए कर सकते हैं। जैसा कि अभी उन्होंने बातचीत करते हुए कहा, हम लोगों से बातचीत करिए, और बातचीत करते हुए भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो और भी, क्योंकि जनता को बहुत ज्यादा अपेक्षा है, तो अंतिम समय तक उनको जो भी लगता है वो प्रदेश की जनता को वो घोषणा करने में भी देरी नहीं रखेंगे। और उन्होंने कहा भी कि इस बार जो है कांग्रेस अलग तरीके से सामने जा रही है, चुनावों में जा रही है, और इस बार उन्हें जरूर इस बार विजय मिलेगी। जी, शुक्रिया निजाम इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं, इस दौरान वो मीडिया से भी मुखातिब हुए। तमाम